friends, so now in this video we have to solve one more problem. Find the value of x and y if x plus iy upon 2 plus 3i plus 2 plus i upon 2 minus 3i is equal to 9 upon 13 1 plus i. दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसे सिंप्लीफाई करना है, रियल पार्ट्स को इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है. दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हमें वेरिएबल्स एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिल जाएगी. लेकिन उससे पहले डिनोमेटर्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उन्हें रियल पार्ट में कन्वर्ट करना है डिनोमेटर्स को, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन ऑलरेडी दोनों डिनोमेटर्स कॉन्जुगेट ही है, तो मल्टीप्लाई ना करते हुए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. चलो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई इंटू टू माइनस थ्री आई प्लस इनका टू प्लस आई इंटू टू प्लस थ्री आई अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी. दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस बी स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन आई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन अपॉन थर्टीन वन प्लस आई. चलो चल रहा है, चलो अभी हमें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से देखिए अच्छी तरह से, एक्स इंटू टू डेट इज टू एक्स, एक्स इंटू थ्री माइनस थ्री एक्स आई, अभी इससे करेंगे टू इंटू दिस वन प्लस टू वाई आई, अभी आई वाई इंटू थ्री आई डेट इज माइनस थ्री, माइनस है ना, और थ्री भी है वाई भी है और आई 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 स्क्वेयर प्लस, अभी इन दो ब्रैकेट्स का टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, आई इंटू टू टू आई, फिर आई इंटू आई थ्री आई स्क्वेयर अपॉन ये थ्री है. आई स्क्वेयर क्या है, माइनस वन है, क्योंकि आई की वैल्यू है रूट माइनस वन, तो आई स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा माइनस वन आएगी. तो माइनस वन अगर यहाँ पे लिखते हैं नाइन वन जा वन माइनस माइनस प्लस, तो फोर प्लस नाइन हो जाएगा थर्टीन. यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में डिनोमेटर थर्टीन है, यहाँ भी डिनोमेटर थर्टीन है, थर्टीन थर्टीन एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड मीन्स कैंसिल हो जाएंगे. आगे अभी हमें रियल पार्ट्स को एक साथ लेना है. ये एक रियल पार्ट है टू एक्स, ये रियल है नहीं है, ये रियल है नहीं है, ये यस ये रियल बनेगा. क्यों, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर क्या है माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस प्लस थ्री वन, आई स्क्वायर का हो गया माइनस वन, ये रियल है ये नहीं, ये रियल है तो क्या हो गया फोर, सॉरी ये भी रियल नहीं है, ये रियल बनेगा. आई स्क्वायर है ना माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, फोर माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया पूरा रियल पार्ट. प्लस इमेजिनरी क्या आएगा, देखिए इमेजिनरी में क्या आएगा, आई है इमेजिनरी, यहाँ कोएफिशिएंट है माइनस थ्री एक्स टू वाई. ओके अभी ये तो हो गया रियल, ये बचा सिक्स आई और ये है टू आई, सिक्स प्लस टू एट आई, तो और एट आई भी आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया एट ब्रैकेट के बाहर आई. और आगे राइट हैंड साइड पे नाइन वन जा नाइन प्लस नाइन इंटू आई नाइन आई. अभी हमें इक्वेट करना है रियल पार्ट्स को. क्या है रियल पार्ट्स, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, तो प्लस वन माइनस हो जाएगा नाइन माइनस वन एट, इक्वेशन नंबर वन. इमेजिनरी पार्ट्स को अगर करते हैं तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस एट, वहाँ पे हो जाएगा नाइन है तो माइनस हो जाएगा नाइन माइनस एट वन, इक्वेशन नंबर टू. अभी हमें सिंप्लीफाई करना है, नंबर बहुत छोटे हैं तो डायरेक्टली किसी एक को सेम कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन नंबर वन को टू से थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर टू को टू से करेंगे, ताकि ये दोनों पर ट्वेंटी सिक्स इक्वल हो जाएंगे, थ्री टू जा सिक्स टू थ्री जा सिक्स, तो थ्री टू जा सिक्स एक्स थ्री थ्री जा नाइन वाई और थ्री एट जा ट्वेंटी फोर. फिर आगे देखिए टू थ्री जा सिक्स एक्स टू टू जा फोर वाई टू वन जा टू, चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर थ्री दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर फोर दीजिए, फिर कहिए एडिंग थ्री एंड फोर. एडिंग क्यों, क्योंकि अपोजिट टर्म्स अवेलेबल है, एक्स के वेरिएंट कोएफिशिएंट अपोजिट है ना, अगर ये सेम होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो सिक्स एक्स सिक्स एक्स कैंसिल हो गया, ऐड करने से नाइन प्लस फोर थर्टीन वाई आ गया इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स आ गया, जिसकी वैल्यू हमें वाई की वैल्यू मिल रही है थर्टीन टू जा थर्टीन टू अभी y की वैल्यू आ गई थर्टीन टू. इस वैल्यू को किसी भी आउट ऑफ फोर इक्वेशन किसी भी एक में डाल रहा है
तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इक्वेशन नंबर वन में डालते हैं तो 2x प्लस 3y, दैट इज 3 इंटू वाई, व्हाट इज y, 2 इज इक्वल टू 8। 2x, 3 टू द 6 प्लस 6 वहां पर माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, x की वैल्यू 1। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वेरिएबल्स x और y की वैल्यू मिल गई। अभी इस वैल्यू को आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। फिर से एक बार देखिए, पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम था डिनोमेटर्स का, कॉन्जुगेट लेना था लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमने क्रॉस में डिक्लेयर कर लिया। डिनोमेटर सेम हो गए, कैंसिल हो गए। फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में ही एडजस्ट कर लिया। फिर इक्वेट किया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, और रियल पार्ट का इक्वेशन मिल गया राइट और इमेजिनरी पार्ट का इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आप जो भी यहाँ पे नेसेसरी था वो हमने मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाया, अपोजिट नंबर से ऐड किया, अपोजिट नहीं होते तो सब्ट्रैक्ट करते, और एडिंग के बाद हमें वाई की वैल्यू आ गई 2। उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इसी टेक में डाले, हमने 1 में डाला, आंसर आ गया एक्स की वैल्यू 1। दोस्तों समझ में आए, सॉल्व जल्द कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।